हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अनवर इब्राहिम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट किया है। फ्रेंड, अगर आप सब फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होंगे तो आप सभी को मालूम ही होगा कि फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट क्यों लिखा रहता है। अगर आप सभी को नहीं मालूम है तो इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपको ये फायदा रहेगा, जब भी हम कोई वीडियो डाले तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं इसे खत्म करने के लिए। अब हम आपसे बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट क्या है। फ्रेंड, उससे पहले जैसे कि आप सब शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, तो नीचे लिखा रहता है प्रोडक्ट नीचे ऐप असॉर्ट। तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अगर फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट लिखा रहा है किसी प्रोडक्ट के नीचे, तो समझ लेना कि अगर हम ये प्रोडक्ट मंगाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट से डैमेज नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। तो चलिए अब हम बताते हैं डिटेल में। देखिए क्या होता है, अगर किसी प्रोडक्ट के नीचे ऐप असॉर्ट लिखा रहेगा जिसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा, जैसे कि मैंने आप उनको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर आपने फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट वाला है जो बाय किए प्रोडक्ट नीचे जो लिखा रहेगा, तो ये कैसे चेक होता है। सबसे पहले एग्जांपल, अगर मैं एक सेलर हूँ, एग्जांपल दे रहे हैं, मैं एक सेलर हूँ और मैं फ्लिपकार्ट सेलर हूँ, उसके बाद मैं हूँ जो फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट को मैं बेचना चाहा, तो वो प्रोडक्ट को मैंने बेच दिया। और जैसे कि फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट भी मिला हुआ है, सबसे पहले बता दे रहा हूँ, फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट उसी ही देता है जिसका है जो अच्छा सेलर रहता है और अच्छा रेटिंग मिला रहता है, उसी को देता है। तो जैसे कि हम सेलर है और आपने हमारे फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट है जो उस पर जो ऐप असॉर्ट लिखा हुआ है और आपने वो वाला बाय किया, तो हम जो आपको जो देंगे, जो आप जो हमसे बाय की फ्लिपकार्ट की मदद से, जो मैं सेलर हूँ, तो ये जो जैसे कि एक एग्जांपल, मैंने किसी प्रोडक्ट को पैकिंग किया, पैकिंग करने के बाद ये सब जाएगा डायरेक्ट बिलिंग हाउस में, ऐप असॉर्ट लिखा रहेगा तो बिलिंग हाउस में जाएगा। उसके बाद वो है जो वहाँ चेकअप होगा, चेकअप होने के बाद है जो फ्लिपकार्ट का जो ये रहेगा कर्मचारी जो काम करने वाला रहेगा फ्लिपकार्ट के अंदर प्रोडक्ट सबको देखभाल करने वाला, वो है जो पहले अच्छे से देखभाल करेंगे उसका क्या है, गलत है या खराब है। उसके बाद है जो आपके तरफ जो आपने बाय किया है जो प्रोडक्ट को, तो वही प्रोडक्ट को चेक करने के बाद बिलिंग हाउस से वो सब आपके पास भेजेगा, किसी भी एकम एक्सप्रेस जैसे डिलीवरी बॉय ये सब है जो इसके हाथ से भेजेगा आपके पास। तो फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट का मतलब ये होता है, अगर आपका फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट है जो डैमेज भी निकल जाता है तो वो फ्लिपकार्ट वाला क्या करेंगे, वो रिटर्न ले लेंगे और बहुत ही जल्द रिटर्न ले लेंगे। अगर फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट किसी प्रोडक्ट नीचे नहीं लिखा रहा है, अगर आप उसे बाय करते हैं तो समझ लेना कि आपने एक लॉटरी खेलकर उसे बाय की है और ठीक आ गया, तो सही सही गलत आ गया, तो शायद ही वो सब है जो रिटर्न और रिफंड करेंगे, क्योंकि ये सब है जो थर्ड पार्टी सेलर रहता है और किसी भी प्रोडक्ट को बेच देता है और उसको पैसा से मतलब है बस। तो यही है फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट का मतलब, अगर किसी भी प्रोडक्ट नीचे ऐप असॉर्ट नहीं लिखा रहा है तो समझो कि वो बेकार है, मतलब अच्छा है लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि खराब निकल जाए फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट नहीं लिखा हुआ है। तो आप से जब भी फ्लिपकार्ट से बाय की जगह नीचे लिखा रहेगा फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट, तभी आप है जो उसे बाय कीजिए, इससे है जो आपका प्रोडक्ट बहुत ही सेफ रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए #VIP नजरा।